अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और वर्ल्ड कप विजेता लियोनेल मेसी को पुरुष वर्ग में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया, जबकि महिला वर्ग में स्पेन के अलेक्सिया पुटेलस ने यह उपलब्धि अपने नाम की। पुटेलस ने साल 2022 में बेलेंडी और जीता था। पेरिस के सेले में समारोह के दौरान मेसी ने कहा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद और उसके पीछे जाने और इतना जोर देने के बाद अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इस अवार्ड के लिए फ्रांस के एम्बाफे को भी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें मेसी ने यहां भी मत देते हुए यह अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले। इस दौरान मेसी ने कहा कि यह मेरे करियर की सबसे खूबसूरत चीज़ है, यह हर खिलाड़ी का सपना होता है और बहुत कम लोग इस हासिल कर पाते हैं। वन का शुक्र है कि मैंने ऐसा कर पाया। अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के स्टार और दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी को सोमवार 27 फरवरी 2022 के लिए पेरिस में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद दिसंबर 2022 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था, जिसका आयोजन कतर में किया गया था। 35 साल की मेसी ने फ्रांस के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अपनी टीम के लिए 2 अहम गोल दागे थे। बता दें कि वह फाइनल मुकाबला 3-3 ड्रॉ होने के बाद पेनल्टीज में गया था, जिसको अर्जेंटीना ने जीतकर 36 साल के बाद वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी अपने नाम की।